Good morning to you all. How are you all? Fine. Okay, so students, today we are going to study subject grammar of class 3. Yes. Okay, so in the previous lecture we have completed lesson number 1. Okay, now we are moving further with the next lesson, that is chapter number 2, naming words. Okay. Yes, so what is known as the naming words we are going to learn in this chapter? See in the page number 5 in your grammar book. This is your grammar workbook, right? Yes. So see in that what is given? First box mein kya hai? Dekho. The name of a person, place, animal or a thing is called a noun. Ab noun kisko bola jata hai? That we have already learned in the second standard. Okay? This is a revision. So, kya hai nouns kisko bolte hai? Jab bhi kisi person, place, किसी इंसान या किसी चीज या फिर किसी एनिमल का नाम है दैट इज नोन एज अ नाउन. फॉर एग्जांपल आई राइट हियर रिया. ओके, सो दैट इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. यस, सो इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, है ना? एक इंसान का नाम है, सो दिस इज नोन एज अ नाउन. सो डिड यू अंडरस्टैंड? व्हेन द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इट इज गिवन इन द सेंटेंस, दैट इज नोन एज अ नाउन. ओके, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट गिवन टू यू. Names given to the common things around you like dog, hat, school are called common nouns. अब ये तो हमने पढ़ा noun, ठीक है? कभी भी इंसान या किसी animal या किसी चीज का नाम होगा, place का नाम, तो वो होगा noun. But अभी common nouns क्या होते हैं? What is the common nouns? Common nouns means the things which you see in the day-to-day routine of your life. For example, you come to school. स्कूल में तुम लोग बेंचेस देखते हो, चॉक देखते हो, पेन देखते हो, पेंसिल देखते हो, टेबल होता है, राइट? और या फिर तुम लोग किसी एनिमल को देखते हो, जैसे डॉग है, किसी के हाउसेस देखते हो. सो जो चीजें तुम लोग अपनी डेली रूटीन में देखते हो, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेम्स गिवन टू पीपल, कंट्रीज, टाउन्स, रिवर्स, पेट्स, मंथ्स, डेज एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. Now, what is proper nouns? Proper noun means when a name is given to a country, किसी country को नाम दिया है, जैसे है अमेरिका है या फिर लंदन है. ओके, यस, सो कंट्रीज के नेम होते हैं या फिर किसी टाउन, गांव का नाम है, जैसे है फॉर एग्जाम्पल इट इज बड़ोड़ा, इट इज ऑल्सो सिटी, राइट? बट हालोल है, टाउन है छोटा सा कोई भी, ठीक है? ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? That is known as a proper noun. फिर रिवर्स का नाम है pets. Pets means जो हम young ones हमारे घर में रख सकते हैं, जैसे young one of a dog, तो puppy होता है ना छोटा सा, that is जिसको हम हमारे घर में पालतू जानवर रखते हैं, that is known as our pet animals. Now next is month. Month means January, February, right? And the name of the days. This all are the proper nouns. Now next is proper nouns always begin with a capital letter. नाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन है. दिस ऑल नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. अगर सेंटेंस के बीच में भी दिया है रिया इज अ गर्ल, रिया इज ईटिंग, लाइक दिस, सेंटेंस के बीच में भी रिया का नाम आता है, देन ऑल्सो योर फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. क्लियर अप टू दिस? यस. नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. फाइंड इन अ सर्कल द कॉमन नाउन्स इन रेड एंड द प्रॉपर नाउन्स इन ब्लू. अब जो कॉमन नाउन्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द थिंग्स विच यू सी इन योर डेली टू डे लाइफ. ओके, डे टू डे लाइफ में जो भी तुम लोग चीजें देखते हो, कॉमन चीजें हैं जो भी, दैट आर नोन एज कॉमन नाउन्स. ओके, एंड व्हाट आर प्रोनाउन्स? दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, दैट प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ कंट्री, रिवर्स, पेट एनिमल्स और ए टाउन या फिर मंथ या डेज का नाम होता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. ओके, तो यहाँ पे तुमको जो भी कॉमन नाउन है उसको रेड में सर्कल करना है और जो प्रॉपर नाउन है उसको ब्लू से सर्कल करना है. ओके, सो यू हैव कलर्स एट योर होम. ओके, सो नाउ टर्न द पेज. देखो पेज नंबर 6. नाउ हियर व्हाट इज गिवन टू यू, सी, लेट अस रिकॉल द रूल्स फॉर फॉलोइंग फॉर्मिंग प्लूरल्स. अब प्लूरल्स के लिए हमको रूल्स यूज करने हैं कि हम किस में एस लगाएंगे, किस में ई एस लगाएंगे. ओके, लाइक दिस. सो व्हाट इज फर्स्ट वन गिवन, सी, फॉर नाउन्स दैट एंड इन ओ एस डबल एस सी एच एस एच एन एक्स वी एड ई एस. अब जब भी कोई नाउन है वो एंड होगा ये सब
ग्लास, ग्लास दिया है तो उसके लिए प्लूरल तुम लोग क्या यूज करोगे? ग्लासेस, क्योंकि ये सारे जो भी वर्ड अगर होंगे तो इसके साथ तुमको यूज करना है ई एस प्लूरल में, है ना? तो ग्लास है तो क्या आया? डबल एस आया, एस आता है या डबल एस आता है, एक्स आता है, तो तुम लोग क्या करोगे लास्ट में? ई एस एड करोगे प्लूरल के टाइम पे. नाउ नेक्स्ट इज फॉर नाउन्स दैट एंड इन वाई, चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस. अभी जो भी नाउन तुमको दिया हुआ है जिसका लास्ट वर्ड एंड होता है वाई के साथ, जैसे है फेरी, तो ये वर्ड किससे एंड हुआ? वाई से एंड हुआ, लास्ट में वाई आ रहा है, तो इसके वाई की जगह पे हम क्या करेंगे? वाई निकाल देंगे और प्लूरल में क्या करेंगे? एफ ए आई आर आई ई एस. वाई की जगह पे आई लगाएंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ई एस. तो फेरीज हो जाएगा. अब नेक्स्ट है देखो, फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स दैट एंड एफ और एफ ई, वी चेंज एफ टू वी एंड एड ई एस. जैसे अब कोई वर्ड एफ से एंड करता है, यहाँ दिया है काफ, सी ए एल एफ काफ, एफ आया लास्ट में, तो क्या करोगे? एफ की जगह पे वी लगाओगे, सी ए एल वी, और लास्ट में ई एस एड करोगे, काफ. क्लियर? नाउ लाइक दिस, ये जैसे मैंने तुमको समझाया, अगर यही तुम लोग याद रखोगे देन यू विल बी इजी टू राइट द सेंटेंसेस. अब फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, द ग्रीन बॉटल हैज लेमोनेड इन इट. तो बॉटल है राइट, और अंडरलाइन का किया हुआ है बॉटल पे, सो बॉटल का हमको प्लूरल करना है. सो लाइक दिस यू विल मेक द सेंटेंस. फर्स्ट नंबर है द ग्रीन बॉटल्स, बॉटल है सो बॉटल्स हो जाएगा, समझ आया? लास्ट में ई एस एड करेंगे. बॉटल्स हैव लेमोनेड इन इट, है ना? किस तरह से करना है समझ आया? व्हाट यू हैव टू डू, द ग्रीन बॉटल्स हैव लेमोनेड इन इट, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज द बॉय इज प्लेइंग इन द टेंट. सो नाउ बॉय है, ओके, सो द बॉयज, ओके. अब यहां पे तुम लोग सोच रहे होंगे कि पहले मैंने तुमको सिखाया वाई होगा तो वाई रिमूव करके आई एस लगाएंगे, है ना? बट वो कब करना है? जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा, वोवेल तुमको पता है ए ई आई ओ यू, तो जब भी वाई से पहले वोवेल आता है ए ई आई ओ यू, इसमें से कुछ भी पांच वोवेल्स में से कुछ भी आता है तो पीछे सिर्फ एस लगाएंगे, और यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई रिमूव करके आई ई एस. सो सेकंड सेंटेंस क्या है देखो, द बॉय इज है, ठीक है, द बॉय है, बॉय मींस वन बॉय, तो उसके लिए सिंगुलर के लिए हमने इज यूज किया, पर अभी तो प्लूरल हो गया आंसर में. So the boys are playing. So the boys are playing in the tent. है ना? किस तरह से इसे हमको करना है? अब देखो थर्ड नंबर क्या है? This is the key to the house. This is so these are the keys. Okay, this is की जगह पे हो जाएगा are. इस की जगह पे हम लिखेंगे आर द, और की है राइट, तो वाई के साथ एस, यहाँ पे क्या है वोवेल है तो कीज हो जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज तुमको लिखना है, ओके. अब देखो फोर्थ वन, द फॉक्स एंजॉय चेजिंग द हैर. अब आया फोर नंबर में, द फॉक्स एंजॉय चेजिंग, what does the fox enjoy? Fox enjoy chasing the hare. Okay? तो अभी यहाँ पे fox है. हमने देखा था कि x जब भी होगा तो हम क्या लगाएंगे? देखो x से तो हम क्या यूज करेंगे? es, है ना? तो fox है तो foxes. ठीक है, the foxes enjoy chasing the hare like this. Okay, so I am explaining up till 4. Rest you will do by yourself. अब जैसे bench है fifth number में, तो बेंच की जगह पे तुमको बेंचीज लिखना है, सी एच से एंड हो रहा है, हम क्या यूज करेंगे? ई एस यूज करेंगे. क्लियर? नाउ सी ऑन द पेज नंबर 7, दिस एक्सरसाइज सी, व्हाट इज गिवन टू यू, सर्कल द प्लूरल नाउन्स इन द गिवन पैसेज. अब प्लूरल नाउन सर्कल करना है, ये सारा
The picnic lunch looked delicious. Okay? So this much is a sentence. तो इसमें कुछ भी plural है? नहीं है, तो इसको as it is छोड़ देंगे. अब देखो next point क्या है. Loaves of bread had been used to make sandwiches. अब तुमको plural noun को circle करना है. जैसे यहाँ पे है L-O-A-V-E-S, loaves. ठीक है, तो इसको तुमको circle करना है और इसका तुमको singular लिखना है. क्या लिखना है? नीचे जो तुमको यहाँ पे space दिए उसमें तुमको singular. अब loaves है, तो loaves का क्या होता है? L-O-A-F. जब F होता है तब हम लोग V-E-S लिखते हैं ना, F निकाल के. देखो यहाँ पे मैंने तुमको सिखाया है. Yes, तो loaves दिया है यहाँ पे, तो उसके लिए तुम लोग क्या यूज करोगे? Loaf. अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. Loaves of a bread had been used to make sandwiches. So again sandwiches है, क्या आया है लास्ट में? CH आया है, तो ES है ना, प्लूरल दिया है. तो हम क्या करेंगे? S-A-N-D-W-I-C-H, sandwich. समझ आया? सैंडविच है. ओके, सी एच आया लास्ट में, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ES. तो सैंडविचेस लिखा हुआ, तो तुमको उसका सिंगुलर क्या लिखोगे? सैंडविच. ओके, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट, देयर वेयर ग्लासेस फॉर द ज्यूस. सो किसके लिए ग्लासेस थे? ज्यूस के लिए, राइट? सो ग्लासेस है, ES है, तो क्या आया होगा? तो ES है, डबल S है ना, राइट? तो हमें पीछे ES लगा है, तो उसका सिंगुलर क्या क्या होगा? ग्लास होगा. यहाँ पे तुमको इस स्पेस में 1, 2, 3 नंबर दिया हुआ है, उसमें तुमको लिखना है. ओके, योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्या है. राइप रेड बेरीज एंड मैंगोज. नाउ बेरीज, बेरीज दिया है, आई एस है ना, तो बेरी का स्पेलिंग क्या होगा? बी ई डबल आर वाई. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब भी कॉन्सनेंट होगा तो वाई की जगह पे आई ई एस आएगा. तो बेरीज तो दिया हुआ है, तो हमको उसमें सिंगुलर लिखना है, हम क्या लिखेंगे? बेरी. सिर्फ आई ई एस निकाल के वाई लगा देंगे. ओके, अब फाइन नंबर देखो. व्हाट इज गिवन टू यू? मैंगोज. सो अगेन ई एस लगाया हुआ है, एम ए एन जी ओ, मैंगो. क्यों ई एस लगाया हुआ है? क्योंकि जब भी ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगाएंगे, लाइक दिस. ओके, सो मैंगो तुमको प्लूरल दिया है, उसको तुमको सिंगुलर करना है. अब देखो नेक्स्ट क्या है. वी यूज द नाइव्स टू कट द मैंगोज. सो अभी नाइव्स है, तो नाइव्स कैसे होगा? कैसे बना होगा नाइव्स? ये सही है नाइव्स का, A-N-I-F, है ना? तो हमने क्या सीखा था कि जब भी F होगा तो उसको रिमूव करके हम V-E-S लगाएंगे. सो नाइव्स है, तो अभी उसको सिंगुलर करना है, तो क्या लिखेंगे? नाइव्स. ठीक है, अब देखो सेवन नंबर में क्या है. व्हाट इज गिवन? अगेन इट इज मैंगोज, है ना? सो मैंगोज है, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर में विल पुट मैंगो. ओके, नाउ नेक्स्ट, सी वी पुट आवर बास्केट्स एंड मैट्स. बास्केट्स है, तो क्या लिखेंगे? बास्केट. एंड द नाइन नंबर इट इज गिवन टू यू. व्हाट इज गिवन टू यू? मैट्स, राइट? मैट्स है, तो मैट्स की जगह पे हम लिखेंगे मैट. तो अब देखो फर्स्ट क्या है? लोफ. फिर है सेकंड सैंडविच. थर्ड है ग्लास. फोर्थ है तुम्हारा बेरी. सिक्स, फिफ्थ है मैंगो. अगेन मैंगोज का हमने पहले लिखा था, राइट? एक बार मैंगो लिखा है, दूसरी बार हम नहीं लिखेंगे, दैट इट विल बी ओके. सो दिस वाज योर सेवन वन एंड दिस इज एट नंबर. ओके, यू कैन राइट इफ यू वांट टू, बट मैंगोज का तो हमने सिंगुलर ढूंढ लिया, मैंगो. सो देयर इज नो नीड टू राइट टू टाइम्स. क्लियर अप टिल दिस? ओके, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट पेज. इट इज अगेन द फॉर्म ऑफ अ प्लूरल फॉर्म. ठीक है, तुमको क्या करना है? देखो वुमन है, वुमन है, डब्ल्यू ओ एम ए एन है, प्लूरल सिंगुलर है. इसको प्लूरल कैसे लिखेंगे? वुमेन. ठीक है, ई हो गया तो ये प्लूरल हो गया, इसमें एन एस नहीं लगाएंगे, वुमेन ऐसा नहीं करना है. वुमेन है तो वुमेन आ जाएगा, मैन आएगा. ओके, नाउ है पर्सन. पर्सन दिया है मतलब एक इंसान,
that we will write plural, तो क्या हो जाएगा माइस. समझ में आ रहा है? माउसेस नहीं लिखेंगे, माइस लिखेंगे प्लूरल में. नाउ टूथ है, तो टूथ के लिए हम क्या लिखेंगे? टी डबल ई टी एच, टूथ, टीथ. ओके, ऑक्स है तो ऑक्सन, ऑक्सेस नहीं लिखेंगे. एक्स होगा तो ई एस ऐड कर सकते हैं. ओके, ऑक्सेस, इट इज लाइक दैट, ओ एक्स ई एस, ऑक्सेस. ओके, और इसकी जगह पर तुम लोग ओ एक्स ई एन भी लिख सकते हो, ऑक्सन. Both are right. Next is foot. तो foot है तो क्या होगा? Double E T, feet. Goose तो क्या लिखेंगे? Geese. और cactus है तो cactuses. Clear? Now last exercise, यहाँ पे E वाला देखो. क्या लिया है? Fill in the blanks. I want to put some dash on my toast. तो dash on my toast तो हम butters लिखेंगे या butter लिखेंगे? Butter लिखेंगे, है ना? Butters नहीं लिखेंगे. हमको सिर्फ butter लगाना है. ठीक है, हमको बटर बहुत सारा नहीं चाहिए. वी ओनली वॉन्ट सम बटर. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट इज द बकेट इज फुल ऑफ डैश. द बकेट, बकेट मीन्स सिर्फ एक ही बकेट है, तो बकेट इज फुल ऑफ वाटर आएगा कि वाटर्स आएगा? इट वुड बी वाटर. समझ आएगा? हम वाटर्स नहीं लिख सकते इसमें. द बकेट इज फुल ऑफ वाटर्स, तो वाटर्स भले हम लोग पूरी बकेट वाटर भर रहे हैं, ठीक है, पानी में, पूरी बकेट में पानी है, बट देन ऑल्सो वी कैन राइट वाटर्स, इट विल बी वाटर ऑन देयर. थर्ड नंबर, देर आर नो डैश इन द होल्डर, सो देर आर है, अब प्लूरल आया, आर है तो प्लूरल आया, इसलिए हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे पेंसिल्स. एक पेंसिल नहीं है, बहुत सारे पेंसिल्स है. ओके, सो क्लियर अप टू दिस? थर्ड वन आई एक्सप्लेन यू. Now rest you will do by yourself, okay, in the homework part. We have completed up till page number 8. We will meet in our next lecture. Till then, bye-bye. Thank you.